8.2 संयोजकता वैलेंसी। हमने कुछ उदाहरणों द्वारा देखा कि विभिन्न तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। अतः संयोजकता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, सोडियम के संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु त्यागा जाता है, अतः इसकी संयोजकता एक होती है। कैल्शियम अपने संयोजी कक्ष से दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, अतः कैल्शियम की संयोजकता दो होती है। क्लोरीन के संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः क्लोरीन की संयोजकता एक होती है। संयोजकता हमें यह बताती है कि किसी तत्व का परमाणु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा अथवा त्याग करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्वों के परमाणु संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर और कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूरा करते हैं। हम धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर पहचानते हैं। आयनिक बंध निर्माण में जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे धातु कहलाते हैं और जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे अधातु कहलाते हैं।